बहुत सारे एनिमल्स रात में देख सकते हैं, और जब इंसानों को पता चला कि इंसान रात में नहीं देख सकता पर कोई और रात में देख सकता है, तो इंसान ने नाइट विजन गॉगल्स ही बना डाले जिससे इंसान भी रात में बड़ी ही आसानी से देख सकता है। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि हम नेचुरली रात में क्यों नहीं देख सकते हैं और दूसरे जानवर जैसे कि उल्लू रात में कैसे देख सकते हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नाइट विजन गॉगल्स काम कैसे करते हैं जिसकी मदद से इंसान रात में भी बड़ी आसानी से देख सकता है, क्योंकि हमारी आंखें नेचुरली तो ऐसे होती नहीं है कि हम रात में देख नहीं सकते, पर जब हम इन नाइट विजन गॉगल्स को पहनते हैं तो हम बड़ी आसानी से रात में देख सकते हैं। आज इसी के बारे में जानेंगे। तो नाइट विजन गॉगल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, स्पेशली सोल्जर्स के लिए, क्योंकि जब सोल्जर्स वहाँ लड़ाई करते हैं और रात में अगर किसी ने फायर कर दी तो रात में लड़ाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये नाइट विजन गॉगल्स। आपने टीवी में और फिल्मों में ये देखा होगा कि कई जगहों पे सोल्जर्स आंख में कुछ चश्मे टाइप का पहने रहते हैं, उसमें ग्रीन कलर की लाइट निकलती है और जिसकी मदद से वो रात में देख लेते हैं। इन्हीं को हम नाइट विजन गॉगल्स बोलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम गाजर खाएंगे तो उसकी मदद से हम रात में भी देख लेंगे, लेकिन अगर ये सच होता तो जो सोल्जर्स होते हैं उनको तो उनकी ट्रेनिंग में गाजर ही खिलाया जाता, और इतने महंगे महंगे और इतने वैल्यूएबल स्पेक्टिकल्स बनाए ही नहीं जाते नाइट विजन वाले। मैं पूछूंगा उन लोगों से जो लोग बोलते हैं कि गाजर खाने से हम रात में देख सकते हैं कि ये कैसे होता है। हम इंसान दिन में काम करने के लिए और रात में सोने के लिए बनाए गए हैं, मतलब किसी ने बनाया नहीं है हमको, हम लोग इवॉल्व हुए हैं। तो हम इंसान दिन में काम करने के लिए और रात में सोने के लिए इवॉल्व हुए हैं। तो हमारी आंखों के रेटिना में जहाँ पे इमेज बनती है वहाँ पे दो सेल्स पाई जाती हैं, कॉर्न्स और रॉड्स। तो कॉर्न्स की मदद से हम कोई भी कलरफुल चीज देखते हैं तो उसका तो यूज ही नहीं है रात में, पर जो रॉड्स होती हैं वो डिम लाइट की मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए होती हैं। और मैं आपको एक फैक्ट भी बता दूं कि हमारी आंखों में 120 मिलियन रॉड्स हैं और 6 मिलियन कॉर्न्स हैं, पर फिर भी हम रात में इतना अच्छे से नहीं देख सकते हैं। और अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं कि ये रेटिना, इमेज, रॉड्स, कौन से सेल्स क्या हैं, तो आप आई बटन पे इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। हैशटैग फिर से अपनी वीडियो में खुद का प्रमोशन। और अगर आपने कभी इन नाइट विजन चश्मों को देखा होगा तो आपने इस ग्रीन लाइट को जरूर देखा होगा। और ये जो नाइट विजन गॉगल्स बने होते हैं, इन नाइट विजन गॉगल्स में सबसे मेन पार्ट यही ग्रीन लाइट होती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ग्रीन लाइट होती है, ये ग्रीन लाइट क्या करती है, जितनी भी अवेलेबल लाइट होती है उन सभी अवेलेबल लाइट को कैप्चर कर लेती है और उसे इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन में ट्रांसमिट कर देती है हमारी आईज को। तो हमारी आईज उस लाइट को डिटेक्ट कर लेती हैं और हम रात में भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि नाइट विजन गॉगल्स काम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आप एक डार्क रूम में जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे कुछ ऐसी भी लाइट होगी जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंफ्रारेड लाइट, जो हम नेकेड आई से डायरेक्ट नहीं देख सकते। तो नाइट विजन जो गॉगल्स होते हैं, अपनी इमेज एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी से वो जितनी भी लाइट होती है, जितनी भी टाइप की लाइट होती है किसी भी रूम में या फिर किसी भी डार्क प्लेस पे, उस सभी लाइट को वो कलेक्ट करती है और एम्पलीफाई कर देती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। सो जिससे कि हम रात में क्या चल रहा है हमारे आसपास वो भी हम आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि मैं एक शब्द बता देता हूं, मैं सिर्फ एक शब्द बोलूंगा उससे भी आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ये थर्मल इमेजिंग है। जो नाइट विजन गॉगल्स होते हैं वो एक थर्मल इमेजिंग का काम करते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी की जो हीट होती है उस हीट से जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मिलते हैं वो गॉगल्स उन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को भी एम्पलीफाई कर देता है हमारी आंखों को, और हम रात में भी बड़ी आसानी से कुछ भी देख सकते। अब आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जितने भी नाइट विजन गॉगल्स होते हैं उन सभी में ग्रीन कलर की लाइट जलती है। इसका मतलब जो भी नाइट विजन गॉगल्स यूज करता है, जो भी उन गॉगल्स से देखते हैं, उनको ग्रीन कलर का सब कुछ दिखता है। पर ऐसा क्यों होता है, उनको ब्लैक एंड व्हाइट में या फिर कलरफुल में चीजें क्यों नहीं दिखाई देती है? तो होता क्या है, जो ग्रीन कलर होता है वो हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि अगर हम हमारे आसपास देखेंगे, हमारे पेड़ पौधों को देखेंगे, तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो हरी ही हैं। हमारी अर्थ में ज्यादातर चीजें हरी ही हैं, इसीलिए जो ग्रीन कलर होता है वो हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसीलिए जो नाइट विजन गॉगल्स होते हैं उनमें ग्रीन कलर की लाइट का यूज किया जाता है, ना कि व्हाइट कलर या ब्लैक कलर। अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि ये जो नाइट विजन गॉगल्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं और हम रात में क्यों नहीं देख सकते हैं। तो जिस वीडियो का प्रमोशन मैंने दो बार किया वो वीडियो लेफ्ट साइड में है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्सरेज हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, तो आप राइट साइड वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।